5 लीटर इसमें 5 लीटर उसमें, है ना। इंडिया है, ये सब इंडिया है, इधर नेपाल है, ये बीच बॉर्डर पर मैं चल रहा हूँ राइट साइड की ओर, इधर है ना, ऐसे करके इसे चला रहा था और ऐसे विली मारा ऊपर की ओर। और भाई पुलिस चेक पोस्ट है यार, यहाँ पे अभी इलेक्शन का टाइम है ना, और यहाँ सब्जी मिल जाएगी इस साइड, मिठाई उठाई। और यहाँ पे यामा का शोरूम है जो की सर्विस सेंटर से अभी निकलवाया हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गांव से, जो कि आज डूक 390 का विजिट कराने वाला हूं, जो कि डूक 390 हमारी ड्रीम बाइक थी। अगर आप लोगों की ड्रीम बाइक है तो कमेंट सेक्शन में बताना। 390 जो कि हमारे दोस्त ने परचेस की है, तो उनकी बाइक मैं आज राइड करूंगा, टेस्ट राइड, देखता हूँ कैसी चलती है। मशीन है भाई, मैं दूसरे बंदे का बाइक थी, मैंने चलाई थी, तो बहुत डेंजरस बाइक है भाई, बहुत स्पीड पकड़ती है वो, तो आज मैं वो मशीन दिखाने वाला हूँ। और जल्द मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लगाता हूँ, फिर आपको मोटो ब्लॉगिंग के साथ मिलता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा परिहार मार्केट, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप मैं आ गया हूँ। और ये हमारे पास है डूक 390, जो की मशीन है, बाइक नहीं है। और यहाँ पे देखो भाई, BS4 है भाई, BS6 मेरे को पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने इसको नहीं दिलवाई बाइक। ये मेरी दोस्त की गाड़ी है और इस तरह से कुछ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मोड है चेंज करने वाला, स्पीड मोड कैसे कैसे कौन सा चलाना। और यहाँ पे देखो भाई, ये पेड़ पौधा, ये 2 नंबर गियर लग गई है भाई, अब 1 नंबर में चल रही है। ये देखो भाई, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आपको डूक 390। और अभी आपको मजा दिलाता हूँ ये मशीन को चलाकर। ये देखो भाई, अभी स्पीड राइट चेक करता हूँ इसकी, कितनी चलती, कैसी स्पीड है इसकी। ओ भाई मेरी जान, उड़ रही है, उड़ रही है। ये देखो भाई, ये देखो यार। और यहाँ पे भाई पुलिस चेक पोस्ट है यार, यहाँ पे अभी इलेक्शन का टाइम है ना, तो चेकिंग चल रहा है यहाँ पे, पुलिस है। और इधर देखो भाई, ये 2 पेट्रोल पंप हमारे गांव के पास में ही है, जो कि हमें तेल की जब भी जरूरत पड़ता है तो यहीं पर आ जाता हूँ। और ये देखो भाई, 3 नंबर में गाड़ी ऐसे चल रही है, 58 56। अभी देखो भाई, मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्पीड टेस्ट। यार ये मशीन है भाई, R15 कुछ नहीं है भाई इसके सामने। ये देखो भाई, ये देखो भाई, अरे यार क्या मजा आ रहा है भाई। ये गाड़ी नहीं है भाई, मशीन है। बात ये है ना भाई, ये बहुत पावरफुल है भाई, बहुत पावरफुल है। ये नॉर्मल रोड में चलाने लायक गाड़ी ही नहीं है भाई, ये जो गाड़ी चलाने लायक है ना, ये हाईवे में है भाई। जैसे लॉन्ग रूट पे जा रहे हो कहीं, आप यहाँ से यूपी जा रहे हो, बिहार से कोई भी हाईवे वाले रूट से जा रहे हो, आसाम सिक्किम कोई भी रूट में, जो हाईवे 4 लाइन 6 लाइन, वहाँ पर आप चलाओ इस बाइक को, तब पता चलेगा भाई ये गाड़ी कैसे चलती है। ये हो गया भाई डिमाही गाँव, जो कि हमारे कन्हा गाँव के पास में ही पड़ता है, मेरे विलेज है उसके पास का पड़ोसी गांव सब है ये। और पता नहीं आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं इस माइक में, क्योंकि कभी कभी ना दिक्कत आ जाती है जब गोप्रो में सेटअप करके मैं माइक स्टार्ट करता हूँ ना, तो कभी कभी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले बंदे ने डेथ कर गया था, तो उसी के काम में मैं बिजी था, तो मैं कम्फर्टेबल नहीं था मैं किसी चीज़ को करने के लिए। तो फाइनली आज वो दिन आ गया जो कि मैं राइड करना शुरू कर दिया आवाज़ से। और ये देखो भाई क्या व्यू है यार डूक 390 की। ये देखो भाई, ये देखो क्या चल रही है यार। अभी मैं आ गया हूँ मनपौर, मनपौर गांव है, यहाँ पे ब्रह्म स्थान है और ये हमारी दोस्त की दुकान है यहाँ पास में ही। और अभी मैं हम लोग चलेंगे वहाँ पे TVS के शोरूम के पास, जहाँ पे हमारी बाइक, हमारी दोस्त की बाइक है R15 V3। सो उस दिन एक्सीडेंट कर गई थी बाइक को, तो व्हीली मारने के चक्कर में, तो भाई उसकी पार्ट सारा चीज़ टूट गया, आसपास का जितना भी लेगार्ड है सारा चीज़ टूट गया हुआ है। तो उसको मैं क्लेम करवाया था, उसको इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया था, तो वहीं पे लगवा दिया था गाड़ी को। आज उस गाड़ी को लानी है वहाँ से, क्योंकि वो एजेंसी में लगी हुई है, R15 V3, वो भी नई गाड़ी है भाई। मैं आपको दिखाया था, आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसमें देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि मैं मुक्तिनाथ गया था इंडिया से, तो सारा प्रोसेस उस वीडियो के जरिए मैं बता दिया हूँ, आप देख लेना वहाँ पे। और ये मनपौर के पास में एक पेट्रोल पंप है, मतलब मेरे गांव के 10 किलोमीटर के अंदर में ना 5-6 पेट्रोल पंप हो गया हुआ भाई, पहले इतने पेट्रोल पंप नहीं थे बट अब ज़्यादा हो गया हुआ। और यहाँ देखो भाई, ये देखो यहाँ पे खाली सड़क मिल रही है भाई, यहाँ पे थोड़ा चेक कर रहा हूँ। ओ भाई देखो भाई क्या चल रही है, 100 सीधा 100 चली जाती है। और एक खास बात ये है ना कि इस गाड़ी में जब भी मैं चलाता हूँ स्पीड में, तो अगर आप एक्सीलेटर जितना स्लो लेना शुरू कर दोगे उतना धीरे धीरे ब्रेक लगनी शुरू हो जाती है इस गाड़ी के अंदर में, गाड़ी स्पीड स्लो हो जाती है गाड़ी डायरेक्ट। जब आप एक्सीलेटर लोगे गाड़ी भागेगी, एक्सीलेटर कम लोगे तो गाड़ी एकदम स्लो हो जाएगी, एकदम ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है, मतलब कंट्रोलिंग पावर बहुत डेंजरस है भाई। BS4 है भाई, BS6 रहती तो फिर उसमें कुछ अलग फीचर है, बट कुछ अलग अपडेट दिया हुआ है BS6 में, और ये BS4 में कुछ ज़्यादा ही पावर है भाई। ये हो गया भाई शोर भोर, अभी मैं आपको परिहार में मिलता हूँ, बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा वहाँ पे R15 V3। सो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, दिखाऊंगा सिनेमैटिक्स भी शूट करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर में। पास में ये परिहार 12 किलोमीटर पास पड़ता है मेरे गाँव से। सो अगर आपको डूक 390 आपका भी फेवरेट बाइक है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताना, ये तो मेरी भी फेवरेट बाइक थी और अभी भी है,
और आपकी होगी तो आप भी कमेंट करके बताना। मैं देखता हूँ कितने लोगों के ड्रीम बाइक है ये डुक 390। भाई ये तो मशीन है भाई, रियल में भाई मैं बुलेट चलाई, मेरी भी ड्रीम बाइक थी बुलेट, तो मैंने ले ली बुलेट। अब ये 390 थी तो हमने नहीं ली अभी पैसा के इशू के कारण, बट मेरे दोस्त ने ले ली बाइक, इसने तो दोस्त की बाइक अपनी ही बाइक है, मैं भी चला ही लेता हूँ, ऐसे दिखाई दिया हूँ कैसे चल रही है गाड़ी। सो कुछ इस तरह से ये सब अलग से लगाया हूँ, बाकी बस सारा चीज़ कंप्लीट है इस बाइक के अंदर। सो यहाँ भी दिखाता हूँ, यामाहा शोरूम भी है और सर्विस सेंटर भी है। अभी मैं आपको V3 दिखाता हूँ, R15 जो कि हमारी बाइक एक्सीडेंट हो गई थी कुछ दिन पहले, और ये है भाई यामाहा शोरूम, जो कि यहाँ पे अभी ज़्यादा गाड़ी नहीं लगी हुई है, थोड़ी बहुत गाड़ी लगी हुई है। और ये दिखाता हूँ यहाँ से आपको कैसी लग रही है डुक 390। ये देखो भाई डुक 390 हमारी, अभी धुलवाया नहीं हो, थोड़ी देर बाद इसको भी धुलवाऊंगा तब चमकेगी भाई, एकदम रानी की तरह दिखती है भाई। ये देखो भाई डुक 390, और यहाँ पे भाई यामाहा शोरूम, क्योंकि अभी दिखाता हूँ अंदर में आपको V3 कहाँ पे लगी हुई है, जो देख सकते हैं अभी मैं आपको शोरूम दिखाया था वहाँ पे गाड़ी वाड़ी लगी थी। और ये है भाई सर्विस सेंटर, जो कि हमारी गाड़ी का कंडीशन कुछ इस तरह के देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि एक्सीडेंट हो गई थी गाड़ी, बहुत तगड़ी एक्सीडेंट हुई थी विली मारने के चक्कर, मेरा दोस्त जो इम्तियाज है ना उसने पे, तो उसने विली मारा इस पर, गाड़ी सीधे इस साइड उड़ गई, इधर उड़ गई राइट साइड की ओर, इधर है ना ऐसे करके ऐसे चला रहा था और ऐसे विली मारा ऊपर की ओर और सीधा इधर लेट गई गाड़ी। उसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पैर में ना थोड़ी सी यहाँ पर चोट वोट लग गई साइड से, और थोड़ा सा ये स्किन छिला गया था को, तो कुछ इस तरह के बाइक की कंडीशन है। अभी सारा चीज़ मैं क्लेम करवाया था, जो पार्ट्स इधर उधर बिछड़ा हुआ है सब इसमें सेट होगा, उसके बाद देखना भाई कैसे लगती है, फिर इसको धुलवाऊंगा और उसके बाद इसको डुक 3 को और V3 को दोनों को ड्रैग रेस करवाऊंगा एक बार, जो कितनी स्पीड भरती भाई। इस पर विली बहुत तगड़ी लगती है, उस पर अब ना अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ है इसलिए विली उस पर नहीं लगती, इस पर बहुत तगड़ी विली लगती है। ये है भाई अपनी मशीन जो कि यहाँ पर लगी हुई है स्टैंड पर, सो बहुत जल्द इसको मैं क्लियर करके यहाँ से छुरा कर ले जाऊँगा, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ लगी हुई है और कुछ चीज़ ऐसी कंडीशन है बाइक की हमारी, और यहाँ पे इसके स्पेयर पार्ट्स सब है, सो नए सामान सब वहाँ पे रखी हुई है, और इसके पार्टी जो भी बॉडी का है सारा चीज़ मैं लगवाऊँगा इसमें। तो मिलता हूँ आपको, पूरा चीज़ फिनिश करवा के दिखाता हूँ आपको। गाइस फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे यामाहा देख सकते हैं कुछ इस तरह से यामाहा दिख रही है अपना यामाहा ब्रांड, और यहाँ पे यामाहा का शोरूम है जो कि सर्विस सेंटर से भी निकलवाया हूँ, और सर्विसिंग का कोई उतना व्यवस्था बढ़िया नहीं है भाई, फिर भी हम लोग किसाऊ करके अपने से कुछ सारा चीज़ सेटअप कर करके करवाया हूँ भाई, जैसे कि ये चेंज हुआ है अपनी V3 में, और अपना ये थोड़ा सा स्क्रेच इसको मैं सही करवा दूँगा, बाकी बाद ये चेंज करवाया हूँ, उसके बाद इस साइड का चेंज करवाया हूँ, पीछे वाला ये चेंज करवाया हूँ, ये लाइट भी फूट गई थी लाइट भी चेंज करवाया हूँ यहाँ पे, और कुछ इस तरह के आगे से मैं दिखाता हूँ ऐसे दिखती है, आईना भी चेंज करवाया हूँ दोनों, जो कि कुछ इस तरह से दिख रही है अपना, इसको धुलवाऊँगा उसके बाद और चमकेगी गाड़ी। अब थोड़ा चेक करता हूँ कैसी चल रही है, अब आपने देखा होगा कंडीशन कैसी थी उस समय, अभी अभी लगभग 3-4 घंटा के बाद हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे चेक कर रहा हूँ देखता हूँ कैसे चल रही है गाड़ी। सो फाइनली यहाँ पे डुक लगी हुई है, अभी मार्केट में आपको दिखाता हूँ परियार मार्केट, किस तरह के परियार मार्केट है, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, सारा चीज़ मैं दिखाऊँगा इस वीडियो के जरिए। सो अभी मैं परियार मार्केट के अंदर में चलता हूँ, ये अपनी V3, ये देखो भाई भाई इस गाड़ी के इंजन में ये भी बवाल है भाई, डुक से कम नहीं है ये भी, फिर भी वो रेस ज़्यादा जल्दी पकड़ती है, ये थोड़ी स्लो पकड़ती है, बट ये बड़ी बेस्ट है भाई, ये इसमें व्हीली बहुत डेंजर मारा जाता है इसमें। और ये बाइक कहाँ नहीं गई है भाई, पूरे मुक्तिनाथ हम लोग नेपाल का हर कोना में घुसा हूँ इस बाइक से भाई, कहीं पर दिक्कत नहीं दी है बाइक। और डुक को भी ले जाऊँगा इस बार, क्योंकि अभी नई बाइक है वो, तो ये जो प्लान कर रहा हूँ ना भूटान का, नहीं तो उधर सिक्किम उक्किम का, उस साइड में ले चलूँगा डुक को भी, प्लान करूँगा क्या, अगर बहुत जल्द वो वीडियो आएगी आपको भी देखने को मिल जाएगी वो राइड की, क्योंकि प्लान कर रहा हूँ बहुत जल्द। अब ये परियार मार्केट के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो परियार मार्केट से पहले ही पड़ता है यामाहा शोरूम, और बहुत सारा शोरूम खुल गया हुआ है हमारे गाँव के आसपास, परियार हम लोग का ब्लॉक पड़ता है गाँव का, हम लोग का लोकल मार्केट है ये, सो ब्लॉक ब्लॉक जो भी है बैंक वैंक का ब्रांच वैंक सारा चीज़ यहीं पर अवेलेबल है। तो हम लोग का गांव से ऑलमोस्ट 12-13 किलोमीटर पड़ता है परियार, जो कि कुछ इस तरह से हमारी बाइक देखने को मिल रही है, अभी धुलवाऊंगा तो और नया बन जाएगी ये। और ये देखो भाई परियार में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, अभी मैं आपको परियार मार्केट भी दिखाऊँगा, और आगे मार्केट मेन मार्केट मेरे को यहीं से टर्न लेना है, जो कि यहाँ पर दुर्गा मंदिर है परियार मार्केट के पास, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है भाई यहाँ पे, हमेशा ट्रैफिक मिलेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे इतनी आबादी है ना परियार ब्लॉक के आसपास, बहुत सारा मकान वकान बन गया हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेन मार्केट हो गया ये सीतामढ़ी का, 80% जो मार्केट होता है ना सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल हो गया हुआ मार्केट का, तो यहीं पर लोग आते जाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ये मैं शॉर्टकट रास्ता से निकल रहा हूँ मार्केट के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर बाज़ार है
जहाँ पे सब्जी वब्जी सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अभी बाजार में आपको दिखाता हूँ, तो मार्केट दिखाने के बाद फिर निकलूँगा घर की ओर, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा डूक का भी राइड और इसका दोनों का कंपेयर करके दिखाऊँगा कितनी स्पीड पकड़ती है गाड़ी। और ये कुछ इस तरह के हमारा परियार मार्केट देखने को मिलेगा आपको। सो भाई कभी ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी उड़ती है यार, क्योंकि देखो मिट्टी वाली सड़क अभी भी बची हुई है। ये देखो भाई, ये हो गया मेन मार्केट, जो कि यहाँ पे सब्जी मार्केट, आलू मार्केट, जो भी किराना का सामान जो लेने वाला होता है जो इधर ही आते हैं, क्योंकि मेन मार्केट अंदर में ही है। और रोड साइड में भी मार्केट सब है, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज पूरी चीज़ नहीं दिखा पाऊँगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, इसीलिए शॉर्टकट रास्ता से मैं निकला हूँ। ये देखो भाई, इधर जाती है मेन रास्ता, यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना पड़ता है। और ये देखो भाई, कुछ इस तरह के परियार मार्केट है भाई। गाड़ी तो अभी ठीक ठाक चल रही है, पता नहीं बाद में कोई दिक्कत नहीं देगी है। ये देखो भाई, सब्जी मंडी यही है, यहीं पे सब्जी उब्जी सब मिल जाती है। ये गाड़ी का फील ही अलग है भाई, डूक का अलग फील है, इसका अलग फील है। डूक का जो हैंडल बार है ना, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का, बुलेट की तरह लॉन्ग बहुत दूर में है, और ये शॉर्टकट में है, साइड से है। और पूरे जितने भी बॉडी की वजन होती है ना, सारा वजन इस पर डालना पड़ जाता है, मज़ा आता है चलाने में, हर जगह से मोड़ने में मज़ा आता है। वो भी सही है, फ्री हैंडल है, ये भी फ्री हैंडल है, बट इसका थोड़ा आगे का मुखरा अलग है, उसका पूरा सिंपल मॉडल है, बट वो भाई मशीन है भाई, बहुत तगड़ी स्पीड पकड़ती है वो। ये हो गया परियार मार्केट, जो कि मैं आपको कोशिश किया हूँ दिखाने का। और आगे ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक का गेट है, यहीं पर दुकान पर मेरे को थोड़ा देर के लिए काम था, कुछ स्पेयर पार्ट मेरे को लेना है, तो लेकर फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैं मार्केट से आ गया हूँ और यहाँ अपना डूक निकालता हूँ यहाँ से। तो मार्केट मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे थोड़ा स्पेयर पार्ट लेना था, तो हमारा काम वहाँ से हो गया हुआ है। सो अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं। यही था भाई, यहाँ का शोरूम है यहाँ पे परियार के पास ही। अगर आपको गाड़ी वाड़ी लेनी हो तो यहाँ पे आप आ जाना और गाड़ी ले लेना। ये देखो भाई, कुछ इस तरह के यामा का शोरूम है और अपनी डूक स्टार्ट हो रही है। अब यामा शोरूम के पास में ही आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। सो यहाँ पे है HP का पेट्रोल पंप, जो कि बढ़िया तेल मिलता है यहाँ भी। और ये देखो भाई, अपना डूक 390 का भाई, क्या पिकअप है यार, उड़ती है भाई, उड़ती है हवा की तरह, उड़ती है एकदम। ये देखो भाई, अपनी R15 V3, ये देखो भाई क्या रिकंडीशन में आ गया, फिर से वापस से नया होगी ये गाड़ी। और पीछे वाला लाइट के ऊपर जो कवर है ना, उसको चेंज करवानी पड़ेगी भाई गाड़ी की, क्योंकि बाकी मैं सारा चीज़ चेंज करवा दिया हूँ इसकी। और बहुत जल्द एक राइड होगी जिसमें सारी बाइक रहेगी, बुलेट, R15, डूक 390 और एक R15 V4 है, वो भी रखूँगा साथ में ही। और काफ़ी बढ़िया चल रही है भाई, देखो ये स्मूथ चल रही है गाड़ी, मैंने टेस्ट उसमें किया था, जो कि मैं मार्केट में ले गया था इस गाड़ी से। हल्का हल्का चक्का मेरे को थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि ऐसे से शायद मुझे लगता है कि इसका है ना रिम वूम भी हल्का टेढ़ा हुआ हुआ है, कि दिखवाना पड़ेगा एक बार खुलवा कर इसको, ढक होगा इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। बाकी बात अभी तो सही है, और सारा सामान सब नहीं आया हुआ था एजेंसी में, जो कि बोला मेरे को टाइम दिया कुछ दिन बाद लगवा आ जाएगा सामान, तो उसके बाद मैं लगवा लूँगा। और ये देखो भाई, अपनी डूक 390 भाई, हर बंदे का सपना होता है ये गाड़ी खरीदनी, क्योंकि ये बाइक हर जगह नहीं मिलती है भाई, बहुत ढूंढने के बाद मिलेगी आपको ये गाड़ी। और एक एरिया में मुझे लगता है मेरे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम चांस ये गाड़ी होगी, दो तीन गाड़ी होगी, मुश्किल से दो गाड़ी होगी, एक ये हमारी गाड़ी और एक हमारी दोस्त की गाड़ी, मतलब हमारी गाड़ी, और एक और हमारे मतलब जानने वाले एक बंदा और है सीतामढ़ी के पास में ही है, उसकी गाड़ी होगी, क्योंकि मैंने देखा था उनकी गाड़ी पोस्ट वोस्ट डाला था। और भाई ये गाड़ी इतनी स्मूथ चलती है ना, मशीन है भाई, बट यही एक इंजन है, इसका हीट मारता है पूरा, थोड़ी दूर भी आप ले जाओगे ना तो हीट मारेगा, बुलेट से भी ज़्यादा गर्म होती है इनकी इंजन, इसकी मशीन है ना बहुत तगड़ी, मतलब बहुत तगड़ी है, मैं कह नहीं सकता हूँ आज तक मैं जितनी बारी गाड़ी चलाया हूँ, बट ये गाड़ी की एक्सपीरियंस है ना मेरे को नेक्स्ट लेवल मिला भाई, ये मशीन है भाई, हाथ में छूते ही लगता है कि उड़ जाएगी ये। और एक चीज़ है, कम गियर में आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते हो भाई, ये इसके अंदर खासियत है, ये बनी है हाईवे के लिए ही, अगर मार्केट में ले जा रहे हो आप एक नंबर गियर में भी चलाओगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, हुक धुक आएगी गाड़ी, इसलिए इसको ना आराम आराम से निकालना पड़ेगा क्या पूरी फ्री रोड देखकर। और ये गाड़ी अगर आप हाईवे में ले जा रहे हो, आप जितने स्पीड चलाना चाहते हो उतने स्पीड चला सकते हो भाई, बहुत तगड़ी चलती है भाई। इसका हैंडल बार भी बढ़िया है ना, साइड से है, उसका तो नीचे की ओर है R15 का, और इसका साइड से है, अच्छा लगता है, कंफर्टेबल है भाई चलाने में, बहुत दूर तक भी जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपके हाथ हैंड है ना, आपको दर्द वर्द नहीं करेगा पूरे बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट ऐसी, क्योंकि मतलब ये हैंडल बार ही अलग है, डिफरेंट टाइप का, उसका नीचे की ओर दिया हुआ है पूरा।
और नया मॉडल जो आई हुई है BS6 उसमें ना भाई इसका साइड वाला बहुत दूर तक दे दिया हुआ है। BS6 में आप देखना वो गाड़ी अभी बंद हो गई हुई है, मिल नहीं रही है इधर बिहार में कहीं पे भी, और दिल्ली साइड में भी मैं पता किया था, उधर भी पता किया तो बोला कि वो बंद हो गई अभी नहीं मिल रही, उसमें कुछ बहुत सारा फॉल्ट आ गया हुआ है मैंने देखा, बहुत सारे वीडियो मैंने देखा उस वीडियो उस बाइक के बारे में, तो बहुत सारे शिकायत आ रहा था कि उस बाइक में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे मैं चेक करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर तक रास्ता खाली मिलेगी। ये देखो भाई क्या स्पीड पकड़ रही है ना यहाँ पे, देखो भाई ये देखो सीधा 70, 82, 85, 96, 97, 100, 140 भाई उड़ती है गाड़ी यार। ये देखो भाई ये मशीन का टेस्ट यही है भाई, अभी मैं फुल नहीं स्पीड किया हूँ, अभी हल्का सा लिया था एक्सेलेरेटर, इतनी स्पीड पकड़ी थी भाई 100 पार हो जाती है। और भाई इधर गांव एरिया है ना तो कहीं से बच्चा उच्चा आ जाता, जानवर वनवर आने का चांस रहता है, इसीलिए स्लो ही चलाने में फायदा है क्योंकि सेफ रहूंगा तो फिर सही रहेगा भाई। स्पीड चेक कर, स्पीड स्पीड बढ़ा दे, स्पीड बढ़ा दो, अरे बढ़ाना यार भाई, ये नहीं पारने वाला भाई, इसकी स्पीड ही नहीं पकड़ती है ज़्यादा, ये बहुत तगड़ी उड़ती है भाई, ये बहुत स्लो चलती है, मतलब गाड़ी सही है, इसको आप मार्केट में भी चला सकते हो, गांव में भी चला सकते हो आप, उसके बाद आप लॉन्ग रूट पे भी जा रहे हो कहीं बहुत दूर के डेस्टिनेशन पे तो वहाँ भी आप चला सकते हो इसको इजीली, बट ये गाड़ी भाई ये नॉर्मल के लिए नहीं है भाई। तो भाई यहाँ चेक पोस्ट है, अभी थोड़ा इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना तो चेक पोस्ट चल रहा है यहाँ पे। ये है भाई पेट्रोल पंप जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का पेट्रोल पंप है हमारे गांव के पास में ही, 2 किलोमीटर बाद यहाँ से मेरा गांव है। कहाँ से लेगा भाई फ्यूल, पांच लीटर इसमें 5 लीटर उसमें है ना। ये देखो भाई इसका इस साइड खुलता है और गाड़ी की इस साइड खुलता है टंकी। तो भाई फ्यूल डलवा लिया हूँ मैं, अब यहाँ से नहीं निकलता हूँ और आगे मैं आपको दिखाता हूँ नोचा मार्केट, नोचा बाजार जो कि पास में ही है यहाँ से। और ये चेक पोस्ट है भाई, 5 लीटर इसमें डलवाया हूँ, 5 लीटर उसमें डलवाया हूँ, और ऐसा कुछ चेक पोस्ट है भाई, अभी इलेक्शन का टाइम है ना तो अभी चेक वर्क कर रहा है भाई। और ये देखो भाई पूरे पार्क ही पार्क है, शाम का कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ नोचा मार्केट, जो कि यहाँ भी बाजार उजार लगता है, सब्जी उब्जी सारी चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, मछली उछली पास में ही है, यहाँ से हम लोग का गांव मतलब हमारे गांव के पास में ही पड़ता है, हम लोग का गांव ऐसे बॉर्डर एरिया में पड़ जाता है ना, इंडिया नेपाल का बॉर्डर पड़ जाता है, और ये थोड़ा बॉर्डर से हट के गांव है। और यहाँ पे देखो भाई चिकन विकन मटन सारा चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है भाई, अभी मैं मार्केट आपको दिखाता हूँ। मैं सोचता हूँ ना भाई अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे आप कि मैं डेली ब्लॉग करूँ, तो कमेंट करके बताना भाई, मैं टाइम निकाल के डेली ब्लॉग करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैं फ्री रहता हूँ ना तो मैं बोर हो जाता हूँ, तो मैं ब्लॉगिंग करूँगा थोड़ा सा तो मैं बिजी रहूँगा, मैं यही सोच रहा हूँ। ये देखो भाई नोचा मार्केट कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा, यहाँ पे सारी सब्जी उब्जी मिल जाती है इधर, और कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा इधर नोचा गांव में अंदर की ओर। और ये हो गया मार्केट भाई, अभी दिखाता हूँ आपको नोचा मार्केट। ये देखो भाई यहाँ से दिख रहा होगा आपको सब्जी मार्केट इधर है पास में ही है, और यहाँ सब्जी मिल जाएगी इस साइड, मिठाई उठाई जाओ जो भी किराना आइटम लेना चाहते इस साइड मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे छोटी मोटी दुकान है बट हमारे गांव में भाई इससे बड़ी दुकान है भाई, बहुत बड़ी बड़ी दुकान है। मैं अपने एक बार ना एक वीडियो में ऐसे बनाऊंगा ऐसा ब्लॉग जो मैं अपने गांव का टूर दूंगा भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द उसको शूट करूँ, मैं अपने पूरे गांव का टूर दूंगा, कितने दुकानें हैं, कौन सी एरिया है, कितने गाँव में कितनी आबादी है, सारा चीज़ मैं अपने गाँव के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, क्योंकि मेरे गाँव भी एक खास है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे गाँव, इस एरिया के आसपास के नामी गामी गाँव मेरा पड़ता है भाई। ये देखो भाई यहाँ पर हम लोग पढ़ने आते थे बचपन में बहुत दिन पहले ही, और ये देखो भाई नोचा एरिया कुछ इस तरह के देखने पर। इसके बाद ये नोचा दिखाया था, अभी मचपकौनी है, आगे बेला भी है जो बेला थाना हम लोग का पड़ता है। ये देखो भाई यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ट्रैफिक मिल ही जाएगा क्योंकि ये रोड बॉर्डर से जुड़ता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे भीड़ होती है थोड़ी बहुत। दुर्गा मंदिर, जय माता दी, यहाँ पे देखो भाई मंदिर बन रहा है, और ये हो गया बेला थाना। सो कुछ इस तरह के थाना देखने को मिलेगा आपको हमारे एरिया में, हम लोग का बेला थाना ही पड़ता है भाई। क्या कट मारा हूँ भाई यहाँ से भाई, इतनी तगड़ी स्पीड पकड़ती है ना भाई, वो गाड़ी से मैं रहता था फिर आगे नहीं निकल पाता है, यही गाड़ी थी कि मैं आगे निकल गया हूँ भाई, बहुत तगड़ी स्पीड पकड़ती है भाई ये गाड़ी, इतनी तगड़ी पकड़ती है मशीन की तरह उड़ जाती है भाई ये, मुझे ऐसा लगता है इसका एक एयरपोर्ट बनवाना पड़ेगा भाई ये गाड़ी को उड़ने के लिए, क्योंकि बहुत तगड़ी स्पीड पकड़ती है। माइलेज भाई वही दे देती है आपको, मैं माइलेज की बात कर लूँ तो माइलेज देती है 18, 19, 20, ऐसे ज़्यादा नहीं देती है भाई,
क्योंकि मैं सोचा था 25-25 की एवरेज देगी है, बट 25 नहीं, 19-18-20 के एवरेज में जाती है गाड़ी है। ये देखो भाई, बेला मार्केट कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बेला बस स्टैंड है यहाँ पर। इंडिया का कहोगे तो लास्ट स्टॉपेज पहले था, बट कन्वा मार्केट अब लास्ट स्टॉपेज हो गया, क्योंकि बस स्टैंड पहले यही था, ये सब आसपास में बस स्टैंड ही था हम लोग का, बट अब कन्वा में चला गया सारा बस स्टैंड। जो भी बस आती है सारी बस वहीं जाती है, वहीं रुकती है। सो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको हमारे कन्वा गाँव के आसपास का नज़ारा, जो कि ये सब ज़मीन भाई यहाँ पर प्लॉट बहुत महंगा है। एक प्लॉट एक कट्ठा ज़मीन लोगे ना तो आपको यहाँ पे पड़ जाएगा 40 लाख रुपीज़ मिलेगा एक कट्ठा ज़मीन का दाम। एक कन्वा बस स्टैंड यहाँ पे बस रुकती है, यहाँ से आप पटना दिल्ली कहीं भी जा सकते हो, ऑल इंडिया यहाँ से गाड़ी खुलती है। हम लोग का गांव का बस स्टैंड यही है, और यही सा हमारा गांव का कुछ मार्केट है जो कि काफ़ी फेमस है भाई। हमारा गाँव यहाँ से 100-200 किलोमीटर के दूर के लोग यहाँ पर मार्केटिंग करने आते हैं। तो ये देखो भाई, हमारे गांव का कुछ इस तरह के मार्केट है, बहुत सारी दुकानें, हर सारा सामान यहाँ पर मिल जाएगा, एक एक आइटम आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा भाई। ये देखो भाई, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आना पहले से बंद कर दिया, पहले ट्रांसपोर्ट आता था, सारा सामान आ जाता था यहाँ पे इजीली, बट अब नहीं आ रहा, पीछे से आ रहा है, बॉर्डर एरिया पड़ता है ना। और ये हो गया कन्वा बाज़ार हम लोग का मार्केट का, यहाँ पे बॉर्डर एंट्री करूँगा, अब यहाँ से दिखाऊँगा आपको बॉर्डर एरिया, जो कि सशस्त्र सीमा बल भी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे होंगे, वो भी दिखा दूँगा आपको यहाँ पर। और कुछ इस तरह का व्यू है भाई मार्केट का हम लोग का। ये देखो भाई, ये हो गया बॉर्डर, उधर हो गया नेपाल, ये हो गया इंडिया, और ये बीच में जगह दिख रही है सब खाली बॉर्डर हो गया भाई, खाली जितनी जमीन दिख रही है सब बॉर्डर है भाई। और इस साइड में दुकान सब देखो भाई। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और मार्केट है बहुत दूर में, लगभग यहाँ से आपको 700-800 मीटर दूर तक है ना, आपको दुकानें दुकान दिखेगी यहाँ पे, बहुत सारी दुकानें भाई, हर चीज़ की दुकान है यहाँ पे, खुदरा से लेकर होल सेल तक दुकान यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये देखो सशस्त्र सीमा बल यहाँ पे, और कुछ इस तरह के ड्यूटी निभा रहे हैं। और ये देखो भाई, ऐसा व्यू देखने को मिलेगा हमारा बॉर्डर का नज़ारा, काफ़ी फेमस है बॉर्डर भाई, यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं। ये देखो भाई, हमारे दोस्त लोग का दुकान इसी आसपास में ही है, और यहाँ पे अभी मैं नेपाल में एंट्री करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ से ये हो गया बॉर्डर भाई, ये इंडिया नेपाल का बॉर्डर हो गया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आ गया अभी नेपाल में, और उस साइड था ये इंडिया सब था, ये हो गया नेपाल भाई, वो सब दिख रहा उधर इंडिया है, ये सब इंडिया है, इधर नेपाल है, ये बीच बॉर्डर पर मैं चल रहा हूँ मैं।